आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अदिति जैन आप सबके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पंच परमेष्टियों की आराधना हम जिस महामंत्र नवकार के द्वारा करते हैं, उस नवकार महामंत्र के लिए चार पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। कभी कभी इंसान कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, उससे छूट जाता है केवल एक चीज़ प्राप्त करने के लिए। ऐसे मनुष्य के लिए चार पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी। आचार्य विनम सागर जी महाराज द्वारा यह लिखी गई हैं। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, न जाने सब्र का धागा कहाँ कब छूट जाता है। कहीं किसको यहाँ अपना भी साया तो कहीं पर साथ रहता है, कहीं पर छूट जाता है। कहीं पर साथ रहता है, कहीं पर छूट जाता है। ये दुनिया ठेलम ठेला है, ये संसार झमेला है। दुनिया ठेलम ठेला है, ये संसार झमेला है। चलना तुझे अकेला है, चलना तुझे अकेला है। एक दो पल का मेला है, भोग विषय का मेला है। देखो इसको पर हो देखो इसको पर नहीं बसाओ रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हाँ हाँ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भगवान महावीर के दर्शनों के लिए चार पंक्तियां इस प्रकार समर्पित करती हूँ। न हो फूलों की क्यारी तो कहीं उपवन नहीं मिलते, न हो फूलों की क्यारी तो कहीं उपवन नहीं मिलते। जो मन ही हो मरुथल तो कभी सावन नहीं मिलते। कि जिनके दिल में ईश्वर की कोई मूरत नहीं कोई, कि जिनके दिल में ईश्वर की कोई मूरत नहीं कोई। उन्हें पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं होते, उन्हें पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं होते। भगवान महावीर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, परंतु भगवान की महावीर की तुलना किससे की जा सकती है, ऐसे महान साधु संतों के लिए चार पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। जो है प्रकाश पुंज वीत राग ज्ञान की, जो है प्रकाश पुंज वीत राग ज्ञान की, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। और जो लोग इन साधु संत महात्माओं की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए चार पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते,
भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते कि गूंगे गीत जिस तरह, कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करती है कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। धन्यवाद।